हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर। आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आप लोग नेशनल काउंसिल फॉर टीचर्स एजुकेशन NCTA से आप कैसे सर्टिफिकेट आप उठा सकते हो। आप अगर BEd या DEd कोई भी टीचर्स प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन आप किए हो, आपको NCTA के द्वारा जो सर्टिफिकेट वो आपको जरूरी है कोई भी जॉब आपको लेने के लिए। ये जो सर्टिफिकेट आपको कैसे अप्लाई करना है, कौन सी वेबसाइट से करना है, उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर, और कौन सी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है सारा कुछ डिटेल्स। इसलिए वीडियो को स्किप मत करिए, फर्स्ट से लास्ट तक देखते रहिए। और हमारे चैनल पर जो लोग पहली बार देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, पास बेल आइकन उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलते रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको पहले इस पोर्टल में आना है, इस पोर्टल का लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस पेज में आने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेंगे OTPRS टीचर्स पीपल रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको पहले रजिस्टर नाउ बटन में क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना है। तो आपको रजिस्टर नाउ करना है। रजिस्ट्रेशन नाउ करने के बाद आपको यहाँ पर पहले आपका नाम आपको डालना है, उसके बाद राइट साइड में आपको यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ कैलेंडर से चूज करना है। डेट ऑफ बर्थ आप चूज कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपको यहाँ पर एक फोन नंबर आपको अब देना है। आप जो भी फोन नंबर इस्तेमाल करते हो वही फोन नंबर दीजिए। फोन नंबर देने के बाद आपको यहाँ पर एक मेल आईडी भी आपको यहाँ पर पुट करना है, आपका जो भी मेल आईडी है वो देना है। ये सारा कुछ अब ध्यान से दीजिए, क्योंकि इसमें OTP आएंगे। तो मेल आईडी देने के बाद आपको नीचे कैप्चा कोड जो है वो यहाँ पर फिल करना है। कैप्चा कोड फिल करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर बटन में क्लिक करिए। रजिस्टर बटन में क्लिक करते ही आपके मेल आईडी पे एक OTP भेजा जाएगा, वो OTP यहाँ पर आपको देना है। तो OTP यहाँ पर आएंगे, वही OTP आपको यहाँ पर डाल के सबमिट आपको करना है। आपके मेल पे आएंगे, आपके मोबाइल पे OTP नहीं आएंगे। तो आप मेल OTP दीजिए, उसके बाद सबमिट बटन में क्लिक करिए। सबमिट बटन में क्लिक करते आपका जो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होंगे, इसके लिए आपको यहाँ पर आपका फादर्स नेम आपको डालना है। फादर्स नेम डालने के बाद आपको राइट साइड में आपका मदर्स नेम भी आपको यहाँ पर डाल देना है। मदर्स नेम डालने के बाद आपको नीचे यहाँ पर आपका डेट ऑफ बर्थ फिर से दोबारा आपको यहाँ पर पुट करना है। तो आप कैलेंडर से अच्छी तरीके से वो डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से चूज कर लीजिए। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपको जेंडर भी सिलेक्ट करना है। तो आप यहाँ से पहले डेट ऑफ बर्थ अच्छी तरीके से चूज कर लीजिए, जेंडर मेल या फीमेल चूज कर लीजिए। उसके बाद कैटेगरी में आप यहाँ पर आपका कैटेगरी क्या है वो देना है। नीचे पैन कार्ड नंबर ऑप्शनल है, आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, नहीं तो उसको छोड़ सकते हो। उसके बाद आधार कार्ड नंबर भी आपका ऑप्शनल है, यहाँ पर डाल सकते हो या नहीं डाल सकते हो। तो मेरे पास आधार कार्ड नंबर है, आधार कार्ड नंबर मुझे यहाँ पर देना है, तो आधार कार्ड नंबर आप डाल दीजिए। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आपका जो एड्रेस डिटेल्स वो यहाँ पर देना है। जैसे पहले आपका हाउस नंबर आपको देना है, इसके जगह पे आप आपका पंचायत नेम या वार्ड नंबर भी डाल सकते हो, और हाउस नंबर है तो दीजिए। रोड में, स्ट्रीट में आप आपका विलेज का नाम दीजिए। मंडल में यहाँ पर आपका ब्लॉक का नेम, यहाँ पर आपका सिटी का नेम, टाउन का नेम यहाँ पर डालना है। स्टेट देते ही आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट आ जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट डिस्ट्रिक्ट देने के बाद आपको नीचे आपका पोस्टल जो पिन कोड वो यहाँ पर आपको डाल देना है। पोस्टल पिन कोड डालने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद आपको पहले जो ऑप्शन ऐड करना है वो है टीचर्स एजुकेशन प्रोफाइल, या मैं ऐड बटन में क्लिक करिए। ऐड बटन में क्लिक करने के बाद आप कौन सी डिग्री लिए हो, बीएड या एमएड या डीएड या बीपीएड या एमपीएड, कौन सी डिग्री आप लिए हो टीचर्स के लिए वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। आप रेगुलर मोड या डिस्टेंस मोड में किए हो वो यहाँ पर सिलेक्ट करना है। नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप कौन सी इंस्टीट्यूशन से आपका बीएड या डीएड डिग्री कंप्लीट किए हो वो देना है। नीचे एड्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन जिस भी इंस्टीट्यूशन में अपने बीएड या डीएड या बीपीएड एमएड कंप्लीट किए हो उसका एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक है, ये डिटेल्स देने के बाद आपको यहाँ पर स्टेट आपको सिलेक्ट कर देना है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से चूज कर लीजिए। डिस्ट्रिक्ट देने के बाद आपको नेम ऑफ द एफिलेटेड बॉडी, इसका मतलब आप जिस भी जगह से बीएड किए हो उसका जो यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पर डाल देना है। एफिलेटेड बॉडी, यूनिवर्सिटी का नाम जो भी है आप वो इस बॉक्स में आप लिख दीजिए। ठीक है, तो ये सारा कुछ डिटेल्स आपको यहाँ पर धीरे धीरे आपको फिल करना है। तो यूनिवर्सिटी जो भी है आपका वो यहाँ पर आपको लिखना है। यूनिवर्सिटी लिखने के बाद आपका सेशन स्टार्ट ईयर, आप जिस भी साल में डीएड या बीएड अब स्टार्ट किए हो उसका साल आपको यहाँ पर डाल देना है। टीचर्स एजुकेशन जब भी आप किए हो उसका साल देना है। उसके बाद एंड, कौन से साल में आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है वो बीएड डीएड वो यहाँ से आपको चूज कर लेना है। ठीक है, कौन से साल में आपका कंप्लीट हुआ वो टीचर्स एजुकेशन वो आपको यहाँ से चूज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। उसके बाद ईयर ऑफ एनरोलमेंट, कौन सी ईयर में एनरोलमेंट किए हो, इसके मतलब कौन सी ईयर में आपने स्टार्ट किए थे बीएड वो दूसरी बार आपको यहाँ पर देना है।
और ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी ईयर में आपने पास किए थे वो यहाँ पर आपको डाल देना है। उसके बाद टोटल मार्क्स, कौन कितने मार्क्स से आपका एग्जामिनेशन हुआ और आपने कितने मार्क्स पाए हो वो यहाँ पर आपको डालना है। तो ये सारा कुछ जो डिटेल्स आपको धीरे धीरे आपके जो मार्कशीट है वो देख के आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो मार्क्स ऑब्टेन में आपका टोटल मार्क्स जो भी आपने पाए वो यहाँ पर डाल दीजिए और राइट साइड में आपको परसेंटेज भी आपको यहाँ पर डालना है। तो नंबर पुट करने के बाद आपको यहाँ पर मार्क्स ऑब्टेन में आपको परसेंटेज डालना है और यहाँ पर राइट साइड में आपको पीडीएफ फॉर्मेट में आपका जो मार्कशीट या डीएड या बीएड का वो यहाँ पर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड कर देना है। तो अपलोड करने के बाद आप ऐड बटन में क्लिक करिए, देख सकते हो यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुली मेरा हो चुका है, इसको ओके कर दीजिए। तो आपका टीचर्स डिटेल जो यहाँ पर ऊपर में आप वो देख सकते हैं ऐड हो चुका है। उसके बाद आधार एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आपको यहाँ पर ऐड करना है, ठीक है। उसके लिए आपको ऐड बटन में क्लिक करना है, यहाँ पर आपका 10th का डिटेल्स देना है, जैसे नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आप कौन सी इंस्टीट्यूशन से आप 10th कंप्लीट किए हो, उस स्कूल का नाम यहाँ पर आपको डालना है, उस स्कूल का जो बोर्ड है बोर्ड का नेम यहाँ पर आपको राइट साइड में देना है, बोर्ड नेम दीजिए। उसके बाद यहाँ पर ईयर ऑफ पासिंग, कौन सी साल में आप 10th कंप्लीट किए हो वो देना है, टोटल मार्क्स कितना था वो यहाँ पर आपको देना है, मार्क्स ऑफ 10 आपने कितने पाए थे वो यहाँ पर आपको डालना है और यहाँ पर आपका परसेंटेज कितना था वो भी आपको यहाँ पर पुट करना है। देने के बाद आपको नीचे फिर से पीडीएफ फॉर्मेट में आपको आपका जो 10th का मार्कशीट वो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। 10th का मार्कशीट देने के बाद आप ऐड बटन में क्लिक करिए, देख सकते हो यहाँ पर क्वालिफिकेशन अपडेट सक्सेसफुली मेरे यहाँ पर हो चुका है, 10th का डिटेल्स भी मेरे यहाँ पर अपलोड हो चुका है। आप जो भी पीडीएफ दोगे वो 50 KB से 1 MB के अंदर पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में वो पीडीएफ या मार्कशीट आपका होना चाहिए। उसके बाद आपको नीचे यहाँ पर आपका एक फोटो अपलोड करना है, वो फोटो आपको 20 KB से 100 KB के अंदर होना चाहिए जेपीजी फॉर्मेट में और यहाँ पर राइट साइड में आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, वो 10 KB से 20 KB के अंदर होना चाहिए वो सिग्नेचर। फोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद नीचे जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ पर फिल करना है। तो कैप्चा कोड फिल करने के बाद सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करिए, सबमिट एप्लीकेशन में क्लिक करते आपका थैंक यू देख सकते हो, मेरा जो एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली मेरा हो चुका है। ये जो प्रिंट, इसको प्रिंट आउट कर लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ है। उसके बाद नीचे आपको क्लिक है टू लॉगिन में क्लिक करिए, यूजर नेम में आप आपका जो मेल आईडी से आपने रजिस्ट्रेशन किए थे वो मेल आईडी और पासवर्ड, आपके मेल आईडी पे एक पासवर्ड भेजा जाएगा वही पासवर्ड यहाँ पर आप डाल दीजिए। तो मेल आईडी और पासवर्ड आप यहाँ पर डालने के बाद आपको लॉगिन बटन में सिंपली यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो मेल आईडी और पासवर्ड देने के बाद लॉगिन बटन में क्लिक करिए, लॉगिन बटन में क्लिक करते ही आपका जो प्रोफाइल यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। तो लॉगिन में क्लिक करते देख सकते हो मेरे सामने डैशबोर्ड आ चुका है, इस डैशबोर्ड में आपको यहाँ पर यू हैव नॉट फ्रीज प्रोफाइल डिटेल्स यहाँ पर आपको फ्रीज करना है। इसके लिए आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट साइड में ऊपर में आप देख सकते हो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड में ये है प्रोफाइल वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है। या से आप फोटो सिग्नेचर डिलीट भी कर सकते हो, आप अपलोड भी कर सकते हो, नई तरीके से यहाँ पर डिटेल्स आप एडिट कर सकते हो। उसके बाद नीचे आई हैव अ डिक्लेरेशन बॉक्स में चेक करके फ्रीज प्रोफाइल डिटेल्स इसमें क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए, फ्रीज यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रीज मेरा जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। यहाँ पर ऐड मोर टीचर्स एजुकेशन आप ऐड कर सकते हो, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, एडिट भी कर सकते हो। उसके बाद लेफ्ट साइड में क्वालिफिकेशन एक बटन है, क्वालिफिकेशन बटन में क्लिक करना है, आपके सामने फिर से वो डिटेल्स आ जाएंगे जो भी क्वालिफिकेशन आपने यहाँ पर ऐड किए थे। क्वालिफिकेशन डिटेल्स देने के बाद नीचे हेयर बाय डिक्लेरेशन बॉक्स में चेक करके फ्रीज क्वालिफिकेशन डिटेल्स इसमें फिर से आपको दोबारा क्लिक करना है। उसके बाद इसको ओके कर देना है, ओके करते ही आपका जो डाटा फ्रीज सक्सेसफुली मेरा हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे डिक्लेरेशन और एक बॉक्स मिलेंगे, यहाँ पर आपका एजुकेशन डिटेल्स दिखाया जाएगा और नीचे इस सबमिट वाले बटन में क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हो योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिट सक्सेसफुली, यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए मेरा एप्लीकेशन चला गया है, डैशबोर्ड में मैं चेक कर सकता हूँ। सबमिट फॉर वेरिफिकेशन यहाँ पर क्लिक कर सकते हो या डैशबोर्ड में आप क्लिक करके आप देख सकते हो मेरा जो वेरिफिकेशन यहाँ पर पेंडिंग हो चुका है। वेरिफिकेशन हो जाने के बाद आपको 4 से 5 दिन के बाद आपको यहाँ से ही सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए ऑप्शन यहाँ पर मिल जाएंगे, आप यहाँ से सर्टिफिकेट भी डाउनलोड ऑनलाइन से ही कर सकते हो बहुत आसान और इजी तरीके से। तो ऐसे ही आपको इस पोर्टल से आपका NCT टीचर्स एजुकेशन सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है बहुत आसान और इसी तरीके से।